आज सदर मोहतरम की हिदायत पर हमसे कारवान के जीएचएमसी के और वाटर वर्क अधिकारियों के साथ में रिव्यू मीटिंग की गई, जो लॉकडाउन के दरमियान में पिछले दो महीने से सबसे पहले कारवान के अंदर जो मच्छरों के ताल्लुक से इन तमाम अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग की गई और उन्होंने तयफुन दिया कि पिछले एक महीना कबूल जीएचएमसी इरीगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से शातम तालाब और रंगरस गुड़ा पार्क, हकीमपेट कुंटा, कटोर हाउस, बुलकापुर नाला और खास तौर से जियागुड़ा सलाटर हाउस के ऊपर, वहां पर ड्रोन के जरिए सलाटर हाउस के ऊपर ड्रोन के जरिए स्प्रे कराने के लिए और तमाम हल्के कारवान के अंदर तमाम वार्ड्स के अंदर डबल फॉकिंग गैस के लिए बताया गया और उसके बाद इन तमाम तालाबों को मेंटेनेंस के लिए जीएचएमसी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने टेंडर कॉल किया और इन तमाम तालाबों को मेंटेन करने का और राज्य अभी बाकी कम से कम डिसेंडिंग वालों को बुलाओ 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 तो एक आधा घंटा पानी पड़ा तो पूरा एरिया डूब गया का तो काम अभी कहीं वार्डो में स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी खाली लाके बकेट नहीं लगा दिए अकीम पॉइंट कुत्ते में लाके एक महीना हुआ है मशीन लगा के चार दिन काम नहीं करा अब तक काम करो बोलो उसको ठीक है मैडम, तुम नोटिस इनका हबीब का काम है पेंडिंग है, उमर का काम है और वो लगरस का रेड्डी का करवट का काम है, वो कैंसिल करते हैं टीका लगा के टॉयलेट वाले नहीं करना बोलिए तो बोला मैं इससे पहले टॉयलेट वाले करे तो प्रॉब्लम होता था देखे ने बहादुरपुर में आधे आधे लेना मिला देगा चले गए एस्टिमेट रिवाइज करके दिए ना एक बार नया नया एस एस आर के साथ अपन करा के दिए अपन 267 का या 260 का था वो 297 रिवाइज करने के बाद 297 आना आप करे कौन देने से रवि साहब के पीरियड में करे से वो लोग कंसल्टेंट करे सर कंसल्टेंट वाले फीडबैक कंसल्टेंट फीडबैक